अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और साइश वो स्कूल से आ गई, अभी मैंने इसको नहलाया, बाल अभी गीले हैं। तो हमारे एक और छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, सब्ज़ी मैंने काट के रखी और गैस बिल्कुल भी नहीं है। ये मैंने इसका साबूदाना बनाना था, ये भी ऐसे ऐसे ही रखा है। और नाश्ता फिर मैंने मम्मी के घर पर आज किया सुबह ही जाके, और ये सुबह 8 बजे से सब्ज़ी काट के रखी, 8 बजे से, और अभी 12:30 का टाइम हो रहा है और गैस का कोई पता नहीं है कब आए। 2-3 बजे तक ही आएगी अगर आई तो। आजकल ये गैस का इशू बना बाबू जी यूज़ हो रहा है। और बस यही प्रॉब्लम है हमारे गैस की, आज सुबह से ही गैस नहीं है। 7 बजे के बाद गैस जो है वो गायब हो गई, और लाइन का पानी भी आ रहा था वो भी बंद हो गया। क्या खा रही हो? लेस इस तरह खा रही हो कांटे के साथ? और अभी मैंने उसको फ्रेश किया। तो अभी तक हम वेट ही करें, गैस अभी तक नहीं आई। और साइश कह रही मम्मा मैंने चाय पीनी है। मैंने कहा चाय नहीं, आप खाओ ये वाटर मेलन और खरबूजा मैंने काटा है, बाबू को भी पसंद नहीं है। ये भी अभी उठा है और एक डेढ़ बज गया इस टाइम, तो गैस अभी तक नहीं आई। मैं बहुत परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ, खाना मैं किस तरह बनाऊँ। आवाज़ आ रही लेकिन जलता नहीं, देखते हैं जलाओ किसको। आवाज़ आ रही लेकिन ये जल नहीं रहा, ये देखिए इस तरह हो रहा है। इतनी क्या क्यों इतनी परेशानी, ना तो सर्दी है कुछ भी नहीं, ये मसाला पता नहीं कहाँ से आ गया गैस का। 2:30 बजे आई है गैस और मैंने जल्दी जल्दी खाना रख दिया बनाने के लिए। आलू पालक और साइज को चाय चाहिए थी, उसके लिए रखी मैंने चाय। और बाबू को जो है वो मैंने खिलाया साबूदाना, और अभी दोनों बहनें खेल रही हैं। और ये देखें हालत देखिए, कमरे के भी समेट के गई हूँ मैं बाहर। अस्सलामुअलैकुम। आज है जी वीडियो का दूसरा दिन, दूसरे दिन का है ये व्लॉग, क्योंकि कल तो सारा दिन गैस ने इतना परेशान किया और खाना ही मेरा शाम में 3 बजे बना था। लेकिन आज शुक्र खुदा का गैस बिल्कुल ठीक है। और आज आलू बैंगन लेके आए मेरे हस्बैंड, ये बनाने हैं। पहले मैं इस बाबू को निन्नी करवा दूँ, इसने बड़ा तंग किया हुआ है। क्या चाहिए आपको? क्या ये चाहिए? हांडी, हांडी चाहिए। तो काम शाम मैंने कर लिया है, उस्ताइश जो है वो गई है स्कूल। और आज भी कभी बादल आ रहे हैं और कभी धूप आ रही है, बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है कराची का। ये देखें ज़रा ये कहाँ पर चढ़ गए। हाँ क्या हाँ? नहीं अंदर आओ, निन्नी करवाऊंगा मैं आपको। आज भी 2 से ऊपर टाइम हो रहा है लेकिन गैस का कोई पता नहीं। और इस ताइश को देखो जरा खेल गंद डाल डाल के, मैंने सारी चुटकियां पोनियां पिन्ने जितनी चीज सारी इस ताइश ने फेंक दी बेड के ऊपर। इसके ट्यूशन का टाइम हुआ, मैंने इसको कर दिया है रेडी, सिर्फ बाल रह गए। तो शुक्र खुदा का गैस आई है, 3 बजे के करीब गैस आई है। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ और सालन। मैंने आलू बैंगन का सुबह से लेके रात की रूटीन, बिस्तर बिस्तर मैंने बिछा लिया है और ये मच्छरदानी
क्योंकि मच्छर बहुत ही ज़्यादा होता है। स्ताविश जो है वो बस सोने की तैयारी में ही थोड़े से देखेगी कार्टून, और उस बाबू को देख लो ज़रा, वो अपना तकिया लेके पहले लेट गया वहाँ पे बाबू होता है, यहाँ पे सेंटर में मैं होती हूँ, उसके बाद होती है स्ताइश, और यहाँ पे होते हैं स्ताइश के पापा। तो ये मैंने अभी सेवियाँ बनाई थी, थोड़ी दूध वाली ये खिलाई है बाबू को, और ये है दूध स्ताइश का। तो लाइट नहीं है, और ये सोलर की लाइट है हमारे। तो अभी मैंने करना है इसका यूनिफॉर्म प्रेस, लाइट आती है तो मैं करती हूँ। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।